हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुबह सर, आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पॉसिबल सेटअप करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ना ही किसी भी गैजेट का यूज़ करेंगे और ना ही इसमें 4 पोर्ट USB हब का यूज़ होगा और ना ही OTG केबल का। एंड फिर भी हम लोग मोबाइल टू मॉनिटर गेम प्ले करेंगे, वो भी पांडा माउस प्रो से। है ना, ये एकदम शॉकिंग। एंड आई थिंक अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया होगा। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को दिखा देता हूँ, जो जो चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों का जॉन्टन की तरफ से आने वाला 3-in-1 HDMI केबल। तो ये केबल बेसिक यहाँ पे मोबाइल टू मॉनिटर स्क्रीन शेयर करने के लिए करता है। एंड ये सभी फ़ोन में सपोर्ट करता है, यानी यहाँ पे अगर आपका फ़ोन टाइप सी है उसमें भी सपोर्ट करेगा, माइक्रो टाइप है उसमें भी सपोर्ट करेगा, एंड अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें भी ये इजीली सपोर्ट कर जाएगा। एंड तीनों का यहाँ पे अलग अलग पोर्ट्स भी देखने को मिलेगा और इसमें कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक USB केबल देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को सिंपली 5 वोल्ट के चार्जर से इसको कनेक्ट करना होता है। तो याद रहे, यहाँ पे आप लोगों को 5 वोल्ट का चार्जर ही यूज़ करना है। अगर ज़्यादा वोल्ट का चार्जर यूज़ करोगे तो हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए। ओके, तो आप लोग 5 वोल्ट का चार्जर ही यूज़ करना। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, जो आप लोग अपने मॉनिटर में कनेक्ट करो या फिर अपने TV में कनेक्ट करो, बस यहाँ पे HDMI वाले जो भी डिस्प्ले है उसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप लोग देखोगे मेरे पास 5 वोल्ट का चार्जर ऑलरेडी है, तो मैं इसी से यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो चलो यार, फटाफट से आप कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन बहुत इजी है। सबसे पहले आप लोगों को इस जॉन्टन वाले केबल को अपने मॉनिटर या फिर TV से कनेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे वायर को अपने चार्जर से जैसे कनेक्ट करोगे, वैसे यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा जॉन्टन का। एंड सबसे पहले हम लोग अब कीबोर्ड एंड माउस को फ़ोन से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग वही ब्लूटूथ वाला कॉम्बो कीबोर्ड एंड माउस का यूज़ कर रहे हैं, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग एंड पूरा फुल सेटअप वीडियो ऑलरेडी बना दिया। तो वीडियो को लास्ट में मैं वो वीडियो लगा दूंगा, वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख लेना। एंड अब यहाँ से हम लोग जैसे ब्लूटूथ को पेयरिंग मोड पे रखते हैं, एंड वैसे ही आप लोगों को कीबोर्ड में भी FN and 1 की को प्रेस करके इसको भी पेयरिंग मोड पे रख लेना है। एंड सिंपली अपने ब्लूटूथ से इन दोनों को कनेक्ट कर लेना है। कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप लोगों को ब्लूटूथ को ऑन करके यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके रखना है, एंड यहाँ पे आप लोगों का दोनों डिवाइस आ जाएगा। बस सिंगल सिंगल क्लिक करके आप लोगों इसको पेयर कर लेना है। पेयर जैसे ही होगा वैसे ही ये दोनों ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वायरलेसली ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे आप लोगों का सभी पोर्ट इजिली खाली रहता है, ना ही इसमें OTG केबल ना ही USB 4 पोर्ट लगता है इस कीबोर्ड एंड माउस के लिए। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं रेजर प्रो, जो यहाँ पे पांडा माउस प्रो का ही मॉडिफाइड वर्जन है। आप लोग चाहो तो आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो, लाइक यहाँ पे रेजर प्रो हो गया या फिर स्मार्ट गा का पांडा माउस प्रो, ब्लू स्टार्स के MSI ऐप प्लेयर, या फिर जो भी वर्जन आप लोग यूज़ करते हो पांडा माउस प्रो का, वो सब इसमें 110% वर्किंग है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे इजिली इसका यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ से मैंने इसको ऑलरेडी एक्टिवेट भी किया हुआ है। तो अब यहाँ से जैसे हम लोग जॉन्टन वाले केबल को इसमें कनेक्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक शो होगा फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने से। यहाँ पे नीट कार्ड नेम का एक एप्लीकेशन आता है इसका ऑफिशियल, ये जॉन्टन केबल का। तो यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट उस पर क्लिक करके यहाँ पे इजीली ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। एंड जैसे आप लोग इंस्टॉल करते हो उसके बाद आपका फ़ोन मॉनिटर या फिर TV से कनेक्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब आप लोगों को सिंपली करना कुछ नहीं है, बस आपका जो केबल है उसको फिर से डिसकनेक्ट करना है, एंड देन फिर से आप लोगों को इसको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अभी भी मेरा देखो यहाँ पे पूरा फुल्ली एक्टिवेटेड है रेजर प्रो। आप लोग जो एप्लीकेशन चाहो वो यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं वैसे यहाँ पे नेट कार्ड का एक ये आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग जैसे इन सभी को अलाउ करते हैं परमिशन को, वैसे यहाँ पे मेरा स्क्रीन भी शेयर हो जाता है। एंड अब आप लोग यहाँ से चाहो जो भी एप्लीकेशन का यूज़ करना है करो, एंड आप लोगों को जो भी गेम प्ले करना है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग फ्री फायर को खेलने वाले, तो फ्री फायर को हम यहाँ से प्ले कर देते हैं। एंड रेजर प्रो का आइकन इसमें इतना छोटा है कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी नहीं, बट इसमें मैंने ऑलरेडी पूरा फुल की मैपिंग किया हुआ है। बट आप लोगों के लिए मैं एक और न्यू लेटेस्ट की मैपिंग पे वीडियो जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करना। ओके, तो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग डायरेक्ट गेम के अंदर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर, एंड अब यहाँ से हम लोग एक रैंक गेम प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने रैंक गेम को लगा लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे बोलते हैं यार तुम PC पे स्क्रीन शेयर करके खेलते हो। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
ये ट्रिक 100% वर्किंग है, आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करके देखना हो कि अगर ट्रस्ट ना हो तब। एंड यहाँ पे आप लोगों को देखो यार, रेजर प्रो में जब ट्रांसपेरेंसी को मैं लो कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब आइकन भी नहीं दिखेगा। तो ये बहुत सारे मुझे बंदे ने कमेंट किया था कि यार इसमें ऐप आइकन है ही नहीं, तो तुम कैसे गेम प्ले कर रहे हो, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, हो सकता है तुम मोबाइल को मतलब पीसी पे स्क्रीन शेयर करके तब गेम प्ले कर रहे हो। तो मैं उन बंदों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार ट्राई करके देखो यार, ये 100% वर्किंग ट्रिक है। एंड मोबाइल टू मॉनिटर खेलने के लिए आपके पास एक ऑलरेडी टीवी होना चाहिए, या फिर आप एक मॉनिटर पे भी खेल सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी है तब, या फिर अगर आप लोग अगर नहीं है तो ये सेटअप बिल्कुल भी मत करो यार, क्योंकि छोटा स्क्रीन में वही खेलोगे और बड़े स्क्रीन में भी वैसा ही खेलोगे। ओके, तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट मत करना। अगर आपके पास ऑलरेडी HDMI वाला केबल मतलब ये टीवी है तब आप लोग उसमें यूज़ कर सकते हो एंड बड़े स्क्रीन पर इसका इंजॉय कर सकते हो। एंड अगर आपके पास नहीं है तो बाय बिल्कुल भी मत करना। तो चलो आगे, एक बंदा तो था, चलो ये तो गया खत्म, ले भाई थर्ड पार्टी हो गया। वीडियो अभी तक देख रहे हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और यार 2022 खत्म होने से पहले 250 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया तो पक्का फेस रिवील, तो यार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस कंटेंट को हमेशा देखने के लिए। तो मिलते जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए।